सब्सक्राइब कीजिए टेक चतुर चैनल को और इस बेल बटन को दबाइए और देखिए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, टेक चतुर में आप लोग स्वागत करते हो। दोस्तों मैं शुभजीत, दोस्तों आज बात करेंगे जियो के ऊपर। जियो का जो सिम है वो ब्लॉक होने वाला है, ऐसा ही कुछ खबर सुनने में आया है, तो इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मैं सभी जियो यूजर्स को बताने वाला हूँ ऐसे ही कुछ। आप अगर जियो यूजर्स से आप लोगों को 100% इस वीडियोस को देखना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ प्रॉब्लम में फंस सकोगे। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बता देने वाला हूँ। आप अगर आधार कार्ड के बेसिस पे जियो का जो सिम है लिया था तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, वो आप सुरक्षित रखिए। लेकिन आपका ऐसे कुछ लोगों ने जियो का जो सिम लिया था आधार कार्ड को नहीं देकर, वो कुछ फॉर्म फिलअप करके वो जो जियो का सिम लिया था, तो आप भी अवार हो जाइए, क्योंकि जियो का जो सिम है वो अभी आपका जो आपका ब्लॉक होने वाला है, क्योंकि जियो इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। क्योंकि जियो जो है वो वर्ल्ड का अभी तक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क में कस्टमर बेसिस पे वो हो गया है। 10 करोड़ से ऊपर लोग जियो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं अभी। तो ये KYC फॉर्म जो है वो आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। आप नहीं फिलअप करेंगे तो आपका जो सिम है वो बंद होने वाला है। ऐसे ही कुछ जियो ने ऐसे खुलेआम बोला है, ऐसे ही कुछ बोला है जियो ने। तो अपने आप जियो सिम एक्टिवेट करने के समय अगर आधार कार्ड नहीं दिए हैं तो आप उसको आधार कार्ड को रजिस्टर कर लीजिए जियो फ़ोन के जियो सिम के थ्रू, जियो सिम के अंदर। ये करने का बहुत सिंपल उपाय है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। 1977 जो नंबर है, इस नंबर पर आप लोगों को कॉल करना है और उसके बाद आप लोगों को टेलीफिकेशन जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है। बताइए आपको वहाँ पे आप लोग को बोलेगा ऐसे कुछ, आप लोग को जो आधार नंबर है, आधार नंबर क्या है, आप आधार नंबर बोल दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो सिम है उसके साथ आपका आधार नंबर लगा रहेगा, उसके बाद जो आपका जो सिम है वो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप आधार नंबर नहीं जुड़े होंगे आपका जो सिम के साथ, तो आपका जो सिम है वो ब्लॉक किया जाएगा और ब्लॉक भी हो जाएगा, ऐसे कुछ बोला है। तो जल्द से जल्द आपका जो सिम है उसके ऊपर आप आधार कार्ड आप नहीं किया है तो आपका आधार कार्ड जो है वो लगा लीजिए। 1977 में डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ पूरा प्रोसेस का जो मेन जो तरीका है मैं आप लोगों को। तो ऐसे करके आप कर लीजिए और खुश रहिए। तो आप नहीं किया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आधार कार्ड जिन जिन जियो नंबर पर अभी तक रजिस्टर नहीं है उन नंबर पर जियो खुद SMS करने वाले हैं और मैसेज में यही लिखा रहेगा कि आपका जो आधार कार्ड है इस फ़ोन के इस नंबर के साथ रजिस्टर नहीं है, आप रजिस्टर कर लीजिए। और ऐसे कुछ लिखा रहेगा 1977 नंबर पे आप कॉल कीजिए, उसके बाद टेलीवेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा कीजिए, ऐसे कुछ लिखा रहेगा दोस्तों। अब मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, आई होप इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिया हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। देखते रहिए टेक चतुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।